اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. محترم هزرات، بوزرغو نودوان ساتيو، اور بردا إسلام. कोरोना के सबक इस सीरीज का दूसरा हलका या दूसरा दर्श लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं हमने पिछले दर्श में इस बुनियादी मसले पर सबसे पहले गुफ्तगु की कि जिंदगी के जो हवादिस होते हैं जो हादिसात होते हैं इन हादिसात से सबक सीखना ये ईमान वालों के ईमान का तकाजा है यह अकलमंदों की अकल का तकाज़ा है यह हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह तबारक के दिए गए सिखलाए गए बतलाए गए तर्ज जिंदगी का एक लाज़िमी तकाजा और उसका लाजिमी हिस्सा है आज भी मैंने आप हजरात और खुतन के सामने म दो सलाद के बाद कुरान मजीद की आयत का एक टुकड़ा पढ़कर सुनाया जिसमें अल्लाह तबारक ने फरमाया फिर उल अबसौर ए आंखें रखने वालों ए आंखों वालों इबरत पकड़ो इबरत हासिल करो नसीहत हासिल करो हाजिरी ने गिरामी कोरोना ने और साथ में उसके बाद के लॉकडाउन की मुद्दत ने हम और आपको अपनी ईमानी जिंदगी अमली जिंदगी हमारे और आपकी समाजी और माशरती जिंदगी और हमारे और आपकी मीशत हमारी और आपकी तजारत और हमारे और आपके कारोबार और हमारे और आपके घर बार से मुतल बहुत सारे सबक हम और आपको सिखलाएं इस सिलसिले के कुछ आठ सबक हमने गुज्त दर्स में सुने और आज वहीं से हम अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं आज शुरुआत करते हैं नवा सबक जो हम और आपको इस सूरत हाल ने सिखलाया नवी बात जो हम और आपको इसने याद दिलाई इस कोरोना की वबा ने इस पैंडेमिक की सिचुएशन ने सूरत हाल ने और लॉकडाउन की सूरत हाल ने हम और आपको जो सिखलाया है नवा सबक क्या है हाजिर ने गामी ये सबक है यामत का मंजर अल्लाह तबारक ने एक तरह से हम और आपको दिखलाया अल्लाह तबारक ने हलाक शुदा कौमों की जो हालत होती है उसका हल्का फुल्का मंजर कहिए हमारे और आपके सामने अल्लाह तबारक ने दिखलाया आप तमाम हजरात और आप तमाम खातीन इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि कोरोना की ये वबा जब फैली और उस वबा से बचाओ के नाम पर जब लॉकडाउन की सूरत हाल सामने आई इस बीमारी की खतरनाकी या इस बीमार बीमारी के नुकसान के सिलसिले में लोगों के सामने बहुत सारी बातें जब आने लगी दुनिया वालों ने वो मंजर देखा कि लोग नफसी नफसी का शिकार हो गए हर कोई ये कोशिश करने लगा कि कोई मुझसे मुलाकात ना करे किसी से मेरा सामना ना होने पाए हमारी और उनकी मुलाकात ना हो और अगर मुलाकात आमने सामने की शक्ल में हो भी जाए तो फासला रहे मुलाकात तक की नौबत ना आए हम एक दूसरे के नजदीक भी ना जाने पाए सुबहानल्लायामत का दिन जब होगा बड़ा खतरनाक दिन होगा उस दिन की बेकसी बेबसी उस दिन इंसान की मजबूरी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजरी देने का जो डर होगा जो कैफियत होगी उसका जो मंजर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है अहादीस के अंदर बयान फरमाया है वो इंतहाई खौफनाक है हौलनाक है हम और आपने अपनी खुली आंखों से उस मंजर को किसी ना किसी शक्ल में देखा जब हमने ये देखा कि ये दुनिया थी लेकिन दुनिया का सारों कारोबार दुनिया के सारा ऐश आराम दुनिया की सारी नेमतें छोड़कर लोग नफसी नफसी के आलम में अपने आप को अपने घरों में कैद कर चुके थे हम और आपने क़ियामत की नशानियों में से एक नशानी का मंजर अपनी आंखों से देखा क्यामत की जो नशानियाँ अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं उनमें से एक मंजर सही मुस्लिम की रिवायत में नबी आ सलात वसलाम ने यह भी बयान फरमाया कि किमत के करीब मदीना हालांकि बड़ी अच्छी जगह है मदीना हालांकि बहुत ही अल्लाह के नबी वसल्लम की दुआ की बरकत से माला माल बस्ती है मदीना हालांकि फजीलत वाला शहर है लेकिन नजदीकी क़ियामत, कुर्बी क़ियामत यह सूरत हाल होगी कि मदीना महजूर हो जाएगा मतरूक हो जाएगा लोग यहां की रहाइश छोड़ देंगे मदीना वीरान हो जाएगा कोई यहां नहीं रहेगा इमाम मालिक रहामत ल अपनी मत्ती में इसी हदीस को जब रिवायत किया तो मजीद ये अल्फाज नकल किए हैं कि नबी आलात वाम ने बयान फरमाया कि फिर मदीने में जंगली कुत्ते या फिर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कहा जंगली जानवर घूमते फिरेंगे हती के मत्ती की रिवायत के अल्फाज में अगर आप देखें तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मस्जिद के जो सुतून होंगे या मस्जिद के जो मिंबर हो मिंबर होगा उस मिंबर पर ये जानवर बड़ी आसानी से पेशाब भी करके निकल जाएंगे यानी मदीना जैसे दीन का मरकज भी वेरान हो जाएगा इसका नतीजा ये होगा कि शहर में गोया इस इंसान शहर में कोई बस्ता ना होगा ये यह कुर्बियामत की निशानी थी हम और आपने लॉकडाउन की सूरत हाल में हु बहू यही तो नहीं देखा लेकिन इससे मिलती जुलती यह तस्वीर हमने अपनी आंखों के सामने देखी एक वायरस ने लोगों की यह हालत की कि लोगों ने अपने आप को अपने घरों में कैद कर लिया और यह मंजर दुनिया वालों ने देखा इंसान कैद थे दरिंदे सड़कों पर थे इंसान कैद थे वहशी जानवर जंगली जानवर लोगों के गली कूचों में घूम रहे थे यह मनाजिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी देखे गए खुद हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे और आपके जुनूबी हिंद के इलाके के मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखे कहीं चीता देखा गया तो कहीं शेर को लोगों ने देखा हिरन तो वैसे ही सड़कों पर निकल आए थे कई जंगली परिंदे कई जंगली जानवर लोगों के अपने घरों के सहन तक चले आए थे ये मंजर दुनिया वालों ने देखा ये हम और आपको याद दिलाता है कि कियामत के करीब भी एक वो मंजर आएगा कि जब ये बस्तियां वैसे ही वेरान होने लगेंगी ईमान वालों से भी खाली होगी और मदीना जब ईमान वालों से खाली होगा दुनिया में ईमान वाले नहीं रह जाएंगे तो मदीना भी ये मतरूक और महजूर बस्ती बन जाएगी ये प्यारी नबी सलील आसलम की पेशिन गोई थी दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि हमने क्यामत का एक मंजर देखा या यूं छो यूं समझिए कि हम और आपने क़ियामत की एक निशानी से मिलती जुलती सूरत हाल देखी या आप चाहें तो उसे यूं भी कह सकते हैं नबी अली सलात वाम ने जो हम और आपके सामने खबर देती थी दी थी उस खबर को हमने सच्चा होते हुए देखा यह नवा सबक है जो हम और आपको इस पैंडमिक की सूरत हाल में मिलता है और वह सबक क्या है हमें अल्लाह ने कियामत का वह आखिरी मंजर दिखाने से पहले कियामत की वह बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने से पहले इस पैंडमिक की सिचुएशन सूरत हाल में अल्लाह ताला ने उसका हल्का फुल्का एक मंजर दिखा दिया है जब अल्लाह व तआला मामूली एक वायरस के जरिए हमारी यह हालत कर सकता है इन नशानियों का एक छोटा सा एक छोटा सा मंजर हम और आपको दिखा सकता है कुरब क़ियामत अल्लाह व तआला क्या हमारी और आपकी दुनिया के अंदर वो तमाम बातें बरहक करके नहीं दिखलाएगा क़ियामत का वो मंजर कर्ब क्यामत के वो मनाजिर क्या सच्चे साबित नहीं होंगे यूं समझिएमत की याद कुर्ब क़ियामत की याद इस पैंडमिक की सूरत हाल ने हमारे और आपके दिलो दिमाग में ताजा कर दी यह नवा सबक है जो हम और आपको इस सूरत हाल में मिलता है हम और आपके सामने इस सूरत हाल ने जो सबक रखे उनमें से यह नवा सबक है जो हम और आपको अपनी जिंदगी के अंदर मिलता है दसवां सबक जो हम और आपको कोरोना की इस वबा और उसके बाद की पैंडमिक की सूरत हाल में मिलता है वो ये पैंडेमिक की सूरत हाल ने हमारे और आपके सामने प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की बाज पेशन गोइयों को सच कर दिखाया सही कर दिखाया बाज पेशन गोइयों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाक्य ने सच कर दिखाया यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आज से चौदह सौ साल से ज्यादा पहले की मुद्दत में कही थी चौदह सौ साल से ज्यादा की मददत में अल्लाह के नबी ने जो बात कही थी वो बात आज सच साबित हो गई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था सुनन इबने माजा की रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इबन रजी अल्लाह तुमा रिवायत फरमाते तवील हदीस है उसका एक टुकड़ा मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ता हूं या उसकी एक बात आपके सामने रखता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कभी किसी कौम के अंदर बेहयाई आम हो जाएगी जिना आम हो जाएगा हती के वो अल ऐलान जिना करने लगें हत्या यूनो भी है अल एलान इस बेहयाई का इरतकाब करने लगें यानी जिना की मुख्तलिफ शक्लों का अल ऐलान मुजाहरा होने लगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि लोगों के अंदर तान आम हो जाएगा ताउन कप की बीमारी आम होगी और उसके साथ अल्लाह के रबी सल्लाम ने फरमाया अपने पिछले अदवार में अपने आबाजाद की पिछली नस्लों में कभी नहीं सुना होगा ऐसी बीमारियां भी तुम्हारे अंदर आम हो जाएंगी मुफसरी शारहही नेदीस ने लिखा है शारहन हदीस ने लिखा है कि नबी आलासल्लाम ने यह बात बयान फरमाई है कि जीना जब आम होगा और जब बेहयाई आम होगी बेहयाई और जीना की सजा जिन शक्लों में मिलेगी उनमें से एक शक्ल ये भी होगी कि ऐसी ऐसी नई बीमारियां दुनिया के अंदर आएंगी जिन बीमारियों का तकरा तुम्हारी अपनी पिछली इंसानी तारीख में नहीं मिलता होगा तुमने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा हम और आपने क्या खुली आंखों से यह मंजर नहीं देखा हम और आपने क्या अपनी खुली आंखों से यह मंजर नहीं देखा कि हमारे और आपके सामने जब यह वबा आई सबने सारी दुनिया की जितनी मेडिकल की तिब की दुनिया की तहकीक करने वाली शख्सियतें थीं इनमें की अक्सरियत ने यही कहा कि यह वायरस एक नया वायरस है यह बीमारी एक नई बीमारी है हालांकि फ्लू या इसी किस्म की बीमारियां आती जाती रहती हैं लेकिन अब की बार जो आया वायरस है वो नया वायरस है और उस पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए साल भर की मुद्दत लगी लगभग डेढ़ साल की मुद्दत बाज लोगों के पास और अभी भी उस सिलसिले में वैक्सीन के परफेक्शन के लिए या उसको जो है मुकम्मल इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल बगैर नुकसान के बनाने के चक्कर में तहकीक का सिलसिला जारी है हाजिर ने गिरामी इस सूरत हाल ने हमारे और आपके सामने यह दसवां सबक रखा है नबी सच्चे नबी की बताई हर बात सच्ची है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशन गोई सच्ची हुई कि जना आम है ये तो हम देखते ही हैं बेहयाई आम है यह हम देखते हैं सुनते हैं चलते फिरते भी नजर आ जाती है और आज बेहयाई करने के लिए आदमी को कोशिश करनी नहीं पड़ती बेहयाई से बचने के लिए कोशिश करनी पड़ती है जब जिना इस कदर ज्यादा आम हुआ बेहयाई इस कदर से ज्यादा आम हुई तो अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी उतारी जो आम भी हुई नई भी थी हर इंसान को गोया उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंच रहा है जिस तरह बेहाई बेहयाई का मंजर हर इंसान की निगाहों के सामने बगैर चाहे भी आ जाता है इस बीमारी के असर को हर इंसान ने बगैर चाहे अपनी जिंदगी के अंदर महसूस किया है दूसरे अल्फाज में यूं कहिए नबी आसला की पेशिन गोई बरहक साबित भी हुई और हम और आपको यह सबक भी दे गई कि बेहयाई का खातिमा करो जिना का खातिमा करो खुद जिना से बचो बेहयाई से बचो दुनिया के अंदर जिस कदर ज्यादा यह बेहयाई बदकारी आम होगी उसी कदर ज्यादा अपने आप पर हम और आप अल्लाह ताला की तरफ से भेजी जाने वाली ऐसी सजाओं के दरवाजे खोलते जाएंगे अब जो इंसान जिस कदर परहेज करेगा अल्लाह ताला की तरफ से यूं समझिए उन का खातिमा करने की कोशिश करेगा जिन असबाब की वजह से दुनिया के अंदर आम भी होती है और बीमारी आम होती है यह दसवां सबक है जो हम और आपको इस बीमारी ने सिखलाया और बतलाया है ग्यारहवां सबक जो हम और आपको इस पैंडेमिक की सूरत हाल ने सिखलाया वो सबक ये है कि अफवाहें समाज का एक बहुत बड़ा मरज है अफवाहों का फैलना समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है आप जानते हैं यह बीमारी क्या थी बिल्कुल नई बीमारी थी एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में डॉक्टरों को भी सही से पता नहीं था कि क्या है लेकिन जैसे ही यह बीमारी का जहूर हुआ इस बीमारी का वजूद लोगों के सामने आया लोगों ने अपने अपने तौर पर इस बीमारी के बारे में कैसे खतरनाक खतरनाक किस्म के दावे किए ये तक दावा कर बैठे लोग कि अब इस बीमारी के चलते हुए हमारे और आपके जिस्म के अंदर चिप दाखिल कर दी जाएगी और फिर हम बिल्कुल मशीनों की तरह उनके इशारों पे चलने वाले हो जाएंगे अफवाहें फैलाई गईं, लोगों के अंदर खौफ का एक माहौल आम किया गया बे इतमानी का माहौल आम किया गया लोगों के अंदर परेशानी का एक माहौल आम किया गया याद रखें इस्लामी शरीयत की नजर में गैर मुसद्दका और गैर तहकीकश शुदा कबरों को फैलाना जुर्म अजीम है समाज में अफवाहों का फैलाना इस्लामी शरीयत की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है अफवाहें फैलाने वाले समाज के मुजरिम हैं और इस सूरत हाल ने हमारे और आपके सामने इस्लामी शरीयत की इस तालीम की अहमियत को उजागर किया कि अफवाहों से बचना चाहिए मोमिन कभी अफवाहें फैलाने वाला नहीं होता मुसलमान कभी अफवाहें फैलाने वाला नहीं होता ये अफवाहें फैलाना अफवाहें फैलाने के बाद समाज में खौफ का माहौल पैदा करना क्यूरसिटी के नाम पर तजस के नाम पे लोगों के जज्बात से खेलना ये इस्लामी शरीयत की नज़र में पसंदीदा तर्ज अमल नहीं है इस्लामी शरीयत की नज़र में ये मोमिनों का रास्ता नहीं मुसलमानों का ये तरीका नहीं है आप सुर अहज़ाब अगर पढ़ेंगे तो सुर अहज़ाब जंग अहज़ाब के बाद नाजिल होने वाली ऐसी सूरत है जिसने अहज़ाब के ज़माने में पेश आने वाले मुतद वाकियात पर इस्लामी तालीमात से हम और आपको रोशनाज करवाया आप अगर उसमें देखेंगे तो अल्लाह तबारकाल ने एक सबक ये भी सिखलाया कि ये जो अहजाब थी जंग अहजाब जिसमें मुसलमानों के दुश्मन लश्कर कई अरब कबाइल और मक्का के सब सबके सब मिलकर आए थे और मदीने को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया था खौफ का माहौल था ऐसे माहौल में अफवाहें उड़ाकर तमाशा देखने वाले मुनाफिक हुआ करते थे अफवाहें कर मुसलमानों के अंदर या समाज के अंदर मुआरे के अंदर लोगों को परेशान रखने वाले मुनाफिक हुआ करते थे और ये मुनाफिक ऐसे थे खुद डरे हुए थे दुनिया को डराते थे खुद सहमे हुए थे दुनिया को सहम जाने की तालीम देते थे और अपने दिलों दिमाग के खौफ को समाज का खौफ बनाने के चक्कर में लगे हुए थे आज आप देख लें मुनाफिकीन का वही तर्ज अमल मुनाफिकीन का वही रवैया इस बीमारी और बीमारी से जुड़ी बहुत सारी बातों को लेकर बेबुनियाद गैर मुसदा गैर तहकीकशुदा बातों को फैलाकर अफवाहों का माहौल गर्म रखा गया और समाज के लोगों के अंदर वो सारा खौफ फैलाने की बात की गई जिस खौफ में लोग खुद मुबतला थे आदमी डरता था अपने डर का इलाज करने के बजाय वो यही कर रहा था कि सामने वाले को भी डर में मुबतला कर दे उसे लगता था मेरा खौफ निकले ना निकले दूसरों को मैं हम अपने साथ खौफ में शामिल कर लूंगा तो गोया मेरा मसला हल हो जाएगा सुबह अल्लाह अल्लाह तबारक ने मुनाफिकीन को उस मौके पर तंबी फरमाई थी अल्लाह ने कहा था मुनाफिकून والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا अल्लाह तबारक ने साफ अल्फाज में बयान फरमाया था कहा था कि अगर यह मुनाफिक इन इन हरकतों से बाज न आए तो बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि आपको अल्लाह तबारक उन पर इख्तियार दे देगा और उनको सबक सिखाया जाएगा मुनाफिक को इस्लामी शरीयत की नजर में यह जो अपने नफ्स का खौफ अपने दिलो दिमाग का खौफ होता है उसे पूरे समाज का खौफ बना देना पूरे घर का खौफ बना देना गैर मुसद्दका खबरों की बुनियाद पर खुद खौफजदा होकर समाज को खौफजदा करना अफवाहें फैलाना कोई पसंदीदा तर्ज अमल हरगिज नहीं है यह मसला हम और आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए मैं आपको सुनाऊं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनन विरमि और अबू दाऊद की रिवायत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फरमायान मुस्लिम किसी मुसलमान के लिए यह हलाल नहीं है जायज नहीं है कि किसी दूसरे मुसलमान को खौफ जदा करे किसी दूसरे मुसलमान को डराए खौफ जदा करे इस्लामी शरीयत की नजर में यह हलाल और नाजायज है समाज में खौफ फैलाना मुआशरे को खौफ जदा करना इस्लामी शरीयत की नजर में कोई पसंदीदा तर्ज अमल नहीं है लिल हराम है हलाल नहीं है नाजायज है और जब नाजायज है तो गुनाह है कि कोई आदमी लोगों के अंदर ऐसी खबरें फैलाए या किसी भी जरिए से लोगों को खौफजदा और हरासा करने की कोशिश करे मैं आपको बताऊं यूके की यानी इंग्लैंड की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन अभी करीब में उनकी तरफ से एक छोटा सा पंफ्लेट कहिए शाये किया गया जिसमें इस पैंडमिक की सूरत हाल से यानी यूं समझिए इस बीमारी और बीमारी के साथ जो वैक्सीन का मामला आया है इन दो से मुताल जो अफवाहें फैलाई गई बेबुनियाद खबरें फैलाई गई उन लोगों ने तीस से ज्यादा अफवाहों का तस्करा किया है उन्होंने बताया बेबुनियाद खबरें तिब्बी ना ही ऐसे मेडिकल के हवाले से जो अफवाहें फैलाई गई जो खतरात गिनाए गए नुकसान गिनाए गए वगैरह वगैरह बीमारी की हकीकत या वैक्सीन से मुतालिक जो अफवाहें फैलाई गई उन्होंने शुमार की तीस से ज्यादा अफवाहें सिर्फ इन दो चीजों से मुताल इस पैंडमिक की सूरत हाल में लोगों ने फैलाई हैं भाइयों अफवाहें फैलाना मुसलमानों का तरीका नहीं ईमान वालों का तरीका नहीं समाज के समझदार लोगों का तरीका नहीं है इसलिए इस पैंडमिक की सूरत हाल में हम और आपको इस्लामी शरीयत की इस तालीम को याद रखना चाहिए और इस सूरत हाल ने याद दहानी करवाई है कि इस्लाम की इस तालीम को लाजिम पकड़े रहो कि लोगों के अंदर अफवाहें कभी ना फैलाओ लोगों के अंदर कभी अफवाहें ना फैलाओ तो कोरोना ने जो सबक सिखलाए उनमें से एक सबक यह भी है कि अफवाहें ना फैलाओ इस्लामी शरीयत ने हम और आपको ऐसा करने से मना फरमाया है ये ग्यारहवा सबक था जो हमारे और आपके सामने आया इस पैंडमिक की सूरत हाल ने जो हम और आपको सिखलाए या इस वबा की सूरत हाल ने हम और आपको जो सिखलाए बारहवा सबक जो इसी से मिलता जुलता सबक है लेकिन कदरे मुख्तलफ है वह यह कि भाइयों लोगों को जिस तरह हम और आप उनके जिस्म में तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते मतलब ये कि उनको मार नहीं सकते उनको जबान से तकलीफ़ उनके दिल को नहीं दे सकते गाली गलोज करके बुरा भला कह के उनके दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते वहीं इस्लामी शरीयत हमको ये भी सिखलाती है लोगों की जहनी सेहत की हिफाजत की फिक्र का किया करो मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं मेंटल इलनेस जिसे कहते हैं यह मामला इस्लामी शरीयत की नजर में बड़ा अहम है इसीलिए इस्लामी शरीयत ने हम और आपको इस बात का खास तौर पर हुक्म दिया है तालीम दी है कि हम और आप इन अफवाहों को ना फैलाएं इसलिए कि इन अफवाहों का नुकसान क्या होगा इन अफवाहों का नुकसान यह होगा कि ये अफवाहें लोगों को जहनी तकलीफ पहुंचाएंगी जहनी तौर पर अनस्टेबल बनाएंगी जहनी तौर पर मुतासर करेंगी और ये कैफियत बढ़ते बढ़ते अगर आगे जाएगी तो मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों का सबब बन जाएगी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग जहनी तोजुन खो बैठ सकते हैं लोगों के अंदर बे इतमानी कलक इजतराब जैसी परेशानियां आ सकती हैं उनके अंदर रेस्टलेसनेस जिसे कहते हैं बे आरामी की कैफियत जहनी तौर पर बेसकून होना बे आरामी की कैफियत का शिकार होना ऐसी बहुत सारी जहनी बीमारियों का वो शिकार हो सकते हैं अल्लाह इस्लाम हम और आपको यह सिखाता है खबरें सच्ची भी हों खबरें सच्ची भी हो लेकिन लोगों के मतलब की ना हो यानी लोगों को फायदा पहुंचाने वाली ना हो या लोगों का नुकसान करने वाली हो तो ऐसी खबरें भी समाज में नहीं फैलानी चाहिए अगर उन खबरों को जानकर लोग जानते हैं बस लेकिन उससे उसका कुछ, कुछ तदारुक नहीं कर सकते उसका इलाज नहीं कर सकते या उसकी हिफाजत नहीं कर सकते ऐसी खबरें लोगों को देनी भी नहीं चाहिए पुरानी मजीद के अंदर अल्लाह तबारक ने यह बात बयान फरमाई

अली महुल्ली नंबू न हो अगर उन्होंने उसके बजाय रसूल तक वो खबरें पहुंचाई होती या फिर उनके पास जो इसकी हकीकत को जानते उनके पास पहुंचाई होती तो क्या होता वो लोग जानते कि कौन सी बात को कैसे लेना है किस तरह उसे हैंडल करना है कैसे उस मसले से डील करना है ये उनको पता होता खबरें आप आवाम में पैदा करके उनको जहनी तौर पर डिस्टर्ब करें उनके जहनी सुकून को बर्बाद करें उनको जहनी तौर पे पर परेशान करें मेंटल इलनेस का आप सबब बन जाए आप काज बन जाएं ये इस्लामी शरीयत की नजर में पसंदीदा तर्ज अमल नहीं वहीं इस्लामी शरीयत ये भी हम और आपको सिखलाती है कि हम और आपको भी कोशिश करनी चाहिए लाकर फेंकने वाला हर चीज फेंक सकता है कचरा लाकर उंडेलने वाला कचरा उंडेलेगा तो क्या हम अपने दामन में उसको जो है ले लेंगे हम अपने दिलों दिमाग में सब कुछ भर लेंगे क्या हमें अपने आप की फिक्र नहीं है कि हम अपने आप को इस कदर अपने काब की हिफाजत नहीं कर सकते जिसम को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूर रहते हैं दिल को तकलीफ दे दे तकलीफ देने वाली चीजों से दूर रहते हैं हत्या कि रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं कि कहीं मेरे माल का नुकसान ना हो जाए कहीं मेरी जान का नुकसान ना हो जाए कहीं मेरे दिलों मेरे मेरे दिमाग को कोई मेरे दिल को कोई तकलीफ पहुंचाने वाली बात उनकी तरफ से ना आ जाए वहीं आपकी मेरी ये भी तो जिम्मेदारी बनती है ऐसी खबरें ऐसी बातें ऐसी सब चीजें जिनसे हमारा और आपका जहनी सुकून बर्बाद हो बे की कैफियत पैदा हो इस्लामी शरीयत कहती है ऐसी बातों से हम और आपको बचना चाहिए प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लतीफ़ पैराए में ये बात समझा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामर मा ला यानी इस्लाम की आदमी के इस्लाम की अच्छाई इसमें है कि आदमी जो चीज उससे मुत्ल ना हो वो छोड़ दे उससे लातल्लु इख्तियार कर ले दुनिया की हर खबर जानना दुनिया के हर, हर इजतराब को अपने दिमाग का इजतराब बना लेना दुनिया की हर बेचैनी को अपने दिमाग की बेचैनी बना लेना दुनिया की गली के हर मसले को गले की बला बना लेना इस्लामी शरीय की नजर में यह कोई पसंदीदा तर्ज अमल नहीं है कोरोना की सूरत हाल ने हम और आपको यह सबक भी याद दिलाया कि लोगों की के पास आने वाली जो खबरें हैं वो टीवी चैनल के जरिए आए वो जो है फेसबुक के जरिए आए वो व्हाट्सएप के जरिए आए वो अखबार के जरिए आए या किसी और जरिए लोगों की जबानी एक दूसरे से फैलती हुई आए इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये खबरें लोगों का सुकून और इतमान बर्बाद करने वाली ना हो पाए इसलिए कि लोगों का सुकून बर्बाद करके हम कोई फायदा उनका नहीं कर सकते हाँ, अवेयरनेस लाने वाले लोगों के अंदर बेदारी लाने वाली जो चीजें होती हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए अब यहां देखिए बड़ा सा बड़ा अहम मसला कौन सी चीज कौन सी खबर बेदारी लाने वाली है और कौन सी चीज परेशान करने वाली है फैसला लेना हर आदमी के बस की बात नहीं है इसलिए बेहतर यही होता है कि आदमी अपनी तरफ से फैसले ना ले अरे बड़े बड़े हादिसात की खबरें लोग पहुंचा देते कहते हैं नहीं मैं चाह रहा था उनको इतना रहे आपको क्या पता उस इतला से उनका कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ यह तय कौन करेगा यह खबर आपके लिए बहुत मामूली होगी दूसरे तरफ एक आदमी जज्बाती एतबार से कमजोर आदमी हो या फिर ये कि आदमी नर्म तबीयत का आदमी हो जो खबर आपके लिए मामूली है वो उसके ऊपर बिजली बनकर गिरती है इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए खबरें पहुंचाते हुए खबरें सुनते हुए तरफेन को ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों की जहनी सेहत को उनके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली गलती कभी ना करें उनकी जहनी सेहत का हम और आप ख्याल रखें अब भी जिंदगी के हर मैदान में भी पैंडमिक की सूरत हाल ने यह सबक हमें याद दिलाया है कि लोगों की जहनी सेहत या मेंटल हेल्थ के सिलसिले में हम और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों की सेहत को बर्बाद करने वाला कोई इकदाम कभी ना करें हाजी ने गिरामी ये हमारे और आपके सामने इस वबा के जरिए आने वाला बारहवा सबक था जो इस्लामी शरीयत की इस्लामी तालीमत की रोशनी में हम और आपको इस पैंडमिक की सूरत हाल ने याद दिलाया है हम आगे बढ़ते हैं इस पैंडमिक की सूरत हाल ने हमारे और आपके सामने जो सबक रखे हैं, उनमें से बड़ा सबक और बहुत ही अहम सबक ये अल्लाह तबारको ने हम और आपको बतलाया तुम दुनिया में चाहे जितने साहेब इख्तियार अपने आप को समझो अल्लाह तबारक चाहेगा झटकों में बेबस करके छोड़ेगा तुम साहेब इख्तियार हो साहेब इकतेदार हो तुम्हारी चलती है लोग तुम्हारे सामने दबते हैं तुम्हारे सामने झुकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक चाहे अल्लाह तला झटकों में तुम्हें बेबस कर देगा इंसान वाकई बड़ा बेबस है उसके पास सब कुछ होते हुए भी बेबस है सुबह अल्लाह एक जमाने में यह वाक्य पेश आया था जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया अब रहा हाथियों का लश्कर लेकर एक चौकोर इमारत को गिराने के लिए आया था दो से तीन हाथी भी होते तो उस इमारत को बड़ी आसानी से गिरा लेते एक हाथी भी होता तो टक्कर मार मार के शायद उसको गिरा ले जाता हाथियों का लश्कर लेकर पहुंचने वाला अब रहा अल्लाह तला ने मामूली से अबाबील के जरिए कंकरियां बरसा के उनको खत्म कर दिया अल्लाह तबारकाल की सुन्नत है कि जब जब इंसान को अकड़ जब जब इंसान के अंदर अकड़ पैदा होती है वो अपने आप को साहेब इख्तियार समझने लगता है इंसान की बेबसी का अल्लाह तबारक तमाशा जरूर दिखलाता है इंसान को आज आप देखो ये दुनिया इस कदर ज्यादा तरक्की कर चुकी थी इस कदर ज्यादा तरक्की कर चुकी है हकीकत में जाहिरी एतबार से लोग मिसाल देते हुए कहते हैं कि इंसान परिंदों की तरह हवाओं में उड़ता है मछलियों की तरह पानियों में तैरता है बल्कि उसमें जिंदगी गुजारता है और वहां जिंदगी तलाश कर रहा है जब जमीन के अलावा दीगर स्यारे वहां जिंदगी के इम्कान तलाश कर रहा है इंसान इस कदर ज़्यादा तरक्की कर चुका है और बिलखसूस मेडिकल की दुनिया में आज रिसर्च उस मुकाम पर है बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज हैं और बड़े बड़े शानदार किस्म की तहकीक और रिसर्च सब कुछ हैं लेकिन अल्लाह तबारकाल ने मामूली से एक वायरस के जरिए सारी दुनिया को मफलूज करके बिठा दिया सारी दुनिया मुआतल होकर बैठी रह गई ऐसी बेबस के अपने घरों से नहीं निकल सकी आज आप देख लो साल भर का अरसा होने जा रहा है वो हवाओं में उड़ने वाले जहाज जमीन पर रेंगने से भी महरूम है वो समंदर के पानियों की गहराइयां नापने वाले इंसान बहुत हद तक अपने आप को महदूद कर चुके हैं ये दुनिया अपनी सारी तरक्कियों के बावजूद बेबस नजर आती है वो दुनिया हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं लोग तो किसी एक शहर के किसी लम्हे रुक जाने का माना नहीं समझ पाते थे अगर लोगों से कहा जाता कि फुला शहर में हरकत रुक जाएगी लोग चलना फिरना बंद कर देंगे तो फिर कोई उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होता था लोग मिसाल देते थे हिंदुस्तान हमारे अपने मुल्क के अंदर मुंबई शहर की मिसाल देते थे कि यह वो शहर है जो कभी सोता नहीं है और दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह शहर सोता नहीं है रुकता नहीं है कहने वाले कोई ऐसी थी ही नहीं हर शहर के अंदर चहल पहल हमेशा रहती थी लेकिन अल्लाह ताला ने शहर नहीं सारी दुनिया को रोक दिया सारी दुनिया को रोक दिया और दुनिया ने वो मंजर देखा कि सारे असबाब रखते हुए भी इंसान बेबस हो गया अल्लाह तबारक ने ये कितनी प्यारी बात कही है अल्लाह ने फरमाया

वहूअल कािर फौ का इबादी वही काहिर है गालिब है फो इबादी वह अपने बंदों के ऊपर है वहूवल ख़बीर और वह हकमत वाला है बाख़बर है सुबहानल्ला भाइयों इस्लामी शरीयत की ये तालीम ये बात हम और आपको अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर से यकीन के दर्जे में ले जाकर दिखलाई कि सारी तरक् के बावजूद इंसान बड़ा बेबस है सुबहानल्ला तहकीक एक मकाला या एक यूँ समझिए एक मजमून कोरोना वायरस के सिलसिले में ऐसा भी मेरी नजर से गुजरा हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों की नजरों से गुजरा ही होगा कि इस कोरोना वायरस का हजम क्या है यानी इसका साइज क्या है आपको पता है ये अपने इंसान के अंदर जाने के बाद फिर वो अपने और अपने जैसे जरासीम बढ़ाने लगता है इस वायरस का हजम क्या है या फिर दुनिया में जब ये हज ये शुरू हुआ था तो उसकी मजमू मकदार अगर इकट्ठा करके सारे वायरसेस लोगों के अंदर से इकट्ठा करके उस वक्त देखे जाते चंद ग्राम से बढ़कर इस वायरस का वजन नहीं निकलता था अल्लाह तबारको तला का यह कमाल कुदरत का मुजाहरा नहीं तो और क्या है यह इंसान की बेबसी तो नहीं तो और क्या है चंद ग्राम में आने वाला यह वायरस सारे इंसानों को बेबस करके चला गया भाइयों इस पैंडमिक की सूरत हाल ने हम और आपको एक मरतबा फिर यह सबक याद दिलाया कि देखो इंसान बेबस है अल्लाह ताला के सामने हर साहेब इख्तियार साहेब इक्तदार को यह सबक याद रखना चाहिए, चाहिए कि इंसान चाहे कितना साहेब इख्तियार हो वो अल्लाह ताला के सामने बेबस है और अल्लाह ताला की पकड़ के सामने वो बेबस है सुबहानल्लाह प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अबू मसूद अंसारी बदरी रदी अल्लाह तैन वो एक मरतबा अपने गुलाम को डांट रहे थे डपट रहे थे कहते हैं मैं उसे डांट रहा था गुस्सा कर रहा था उसकी गलती पर तो मैं उसको सजा देने में लगा हुआ था कि मेरे पीछे से एक आवाज आई कि देखो के अबू मसूद आज तुम जितना इख्तियार इस गुलाम पर रखते हो अल्लाह तबारक तुम पर इससे कहीं ज्यादा इख्तियार रखता है सुबहानल्ला इंसानों को गुलाम बनाकर अपने मातहत लेकर उन पर जबरदस्ती करके उन पर इख्तियार या इकतदार के हवाले से उनके मामलात में एक तरह से अपने कंट्रोल में रखने का दावा करने वालों को ये सबक याद रखना चाहिए कि ये सारी दुनिया के जितने भी इख्तियार ये सब सबब हैं इसबाब हैं अल्लाह ने इसबाब तुम्हारे हाथ में दिए वरना मुसबिबल इसबाब तो वही है एक झटके में तुम्हें बेबस कर सकता है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें अभी बेबस करके दिखलाया है हजीन गिरामी ये पैंडमिक से मिलने वाला एक और सबक है कि इंसान बेबस है हां वक्ती तौर पर ये चलते फिरते नजर आते हैं अल्लाह ताला ने कहा ला य तकल्लुबुल्लीन का फरोद मता उन कलील अल्लाह ने फरमाया कि ये काफिर जो जमीन में चलते फिरते नजर आते हैं इनकी चलत फिरत को देख कर तुम धोखे में मत आ जाना मता उन कलील यह थोड़ी देर का सामान है जो अल्लाह ने उनके हाथ में दे दिया सुबहानल्लाह भाइयों इंसान बेबस था बेबस है और बेबस ही रहेगा साहेब इख्तियारख्तदार तो वह रबाल है जिसके हाथ में सब कुछ है इन बेदी कल खैर तेरे ही हाथ में खैर के सारे मामलात हैं इन न का आला कुल्लिश इन कदीर तू ही कुदरत रखने वाला है पैंडमिक की सूरत हाल ने यह सबक हम और आपको याद दिलाया ये तेरहवां सबक है जो हम और आपने इस सूरत हाल या इस वबा से लिया है चौदाहवा सबक और बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प सबक है और वो सबक ये है कि इस पैंडमिक की सूरत हाल आने से पहले बड़े तांत्रिक होते थे बड़े मंत्र वाले होते थे बड़े आमिल होते थे बड़े कामिल होते थे झाड़ फूंक करने वाले थे बड़े बाबा थे बड़े फकीर थे जो लोगों की बिगड़ी बनाने के दावेदार थे लोगों के कारोबार को आबाद कर देने के दावेदार थे मुसलमानों के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर भी यह कारोबार चलता था और गैर मुस्लिमों के अंदर भी ये सब कारोबार चलते थे इस पैंडमिक की सूरत या हाल ने सबकी हवा उखाड़ दी सबके गुब्बारे से हवा निकल गई सबकी हकीकत दुनिया ने देख ली वो जो लोगों के भोले पन का फायदा उठाते थे वो जो लोगों की ला इल्मी कम इल्मी या उनकी नादानी का फायदा उठाते थे वो सब के सब कहीं अपनी बिलों में घुस गए इस वक्त जब दुनिया में हाहाकार मची हुई थी कोई सामने ना आया कोई किसी की मदद के लिए ना आ सका वो बाबे वो पीर वो फकीर और वो तांत्रिक वो आमिल वो कामिल वो जो मंत्र पढ़ने वाले वो जो झाड़ फूंक करने वाले वो सारी दुनिया में उठक बैठक बड़े बड़े कारोबारी इनके दरवाजे पे हाजिर बड़े बड़े सियासतदान इनके दरवाजे पे इनके चौखट पे हाजिर लोग अपने नफा नुकसान के फैसले ले जाके इनसे पूछकर किया करते थे करवाते थे ये भी बड़े बुलंद बांग दावे किया करते थे सबके सब धरे के धरे रह गए सबके गुब्बारे से हवा निकल गई दुनिया में मुसलमानों के हवाले से अगर बात करें दो किस्म के लोग थे जो लोगों की रहनुमाई कर रहे थे या तो डॉक्टर थे जो मेडिकल के हवाले से तिब के हवाले से लोगों की रहनुमाई कर रहे थे या फिर उलमा थे अहले इल्म थे जो लोगों की दीन के हवाले से रहनुमाई कर रहे थे याद रखना भाइयों इस्लामी शरीयत यही कहती है कि बड़े से बड़ा मरज हो बड़े से बड़ा नुकसान हो उससे बचने के लिए ये सारे बाबे फकीर उनके अपने जंतर मंतर उनके करतूत उनके कमालात उनके तावीज उनके गंडे उनके दिए हुए वजीफे उनके दिए हुए ये सारी चीज़ें बेहकीकत हैं दो ही चीज़ें हैं किसी भी नुकसान से बचने या नुकसान में मुबला हो जाने के बाद निकलने के दो ही रास्ते हैं जो इस्लामी शरीयत ने बयान किए हैं कि अल्लाह ने वो रखे हैं इंसानों के अंदर या तो उसका कोई शरी रास्ता होगा वह दुआ है वह इस्तफार है वह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है अल्लाह तबारक ने जो कुछ हम और आपको अपने गुनाहों की तोहबा का मौका दिया है, उसे गनीमत समझना शरयी इसबाब है या फिर दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने दवा दारू की शक्ल में जो मादी असबाब रखें यही दो सबब हैं जो आपको बीमार होने से बचा सकते हैं या बीमार होने के बाद शिफा की तरफ लेकर जाते हैं इन दो के अलावा सब धोखा हैं और यह चीज इस पैंडमिक की सूरत हाल ने लोगों के सामने वाज़े कर दी आप देख लो वो सारे के सारे कहां बिलों में घुस गए थे जब ये सूरत हाल पैदा हुई थी उनको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे उनको अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए थे मैदान में वो थे बेचारे जिनको आप डॉक्टर कहते हैं जिनको नर्सेस कहते हैं जिनको आप रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं वो लोग मैदान में डटे हुए थे मैदान में खिदमत कर रहे थे जाहिरी इसबाब के जरिए जो मरीज की मदद कर सकते थे वो कर रहे थे या फिर शर् इसबाब के जरिए मरीजों की या मरीजों के अकारीब और रिश्तेदार की या वफात पाने वालों के अकारीब और रिश्तेदारों की जो मदद कर सकते थे ये लोग दुनिया के अंदर लोगों के सामने थे सुबहान अल्लाह जो बातें करन सुन्नत की तालीमत के हवाले से दुनिया के सामने कही जाती थी बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आती थी या बहुत सारे लोग समझकर भी समझना नहीं चाहते थे पैंडमिक की सूरत हाल ने वो बातें बड़ी आसानी के साथ समझा दी अगर अब भी ना समझो अगर अब भी तुम्हारी अकलों पे पड़े हुए पर्दे ना हटें, अभी अगर अब भी जाकर इन कारोबारियों के चक्कर में फंसना चाहो तो अपनी अकलों का मातम करो या फिर अपने आप पे अफसोस करो हमारी तो यह ख्वाहिश है कि जो बात कुरान सुन्नत की कही हुई थी बताई हुई थी अहले इल्म बतलाते थे आज आपने उसका तजर्बा करके देख लिया दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया है और जब आप देख चुके हैं तो फिर सारी चीजों से पीछा छुड़ाओ सारी पीछ चीजों को छोड़कर आओ अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ने जो असबाब पैदा किए उन असबाब को इख्तियार करो और शर् जो असबाब दिए उनको इख्तियार करो और इन असबाब को इख्तियार करने से पहले असबाब को इख्तियार करते हुए और करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ यकसू हो जाओ अल्लाह अल्लाह ताला की एक हल्की सी पकड़ है अल्लाह ताला ने, ने मजीद के अंदर उन कौमों का भी तज़किरा किया है जो अल्लाह को छोड़कर के उन्हीं उन्हीं दरवाजों पर उनकी चौखटों पर उनके नाम पर और उनके आस्थानों पर हाज़रियाँ दिया करते थे अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने उन पर अजाब उतारा तो क्या हुआ पता है वो तो हलाक हुए लेकिन वो सारे के सारे जिनके नाम की दुहाई देते थे जिनके नाम पे नजराने चढ़ा करते थे चढ़ावे चढ़ा करते थे सब किसी के कुछ काम ना आ सके अल्लाह तबारको तआला ने बयान फरमाया कहा तीब

तो वो माबूद, वो गैरुल्लाह के नाम जो ये लोग पुकारा करते थे मैं अगनता हूं उनके ये माबूद, उनके कुछ काम ना आ सके कुछ काम ना आ सके जब अल्लाह व तआला का फैसला आया हुक्म आया बल्कि उल्टा अल्लाह की पकड़ का सबब इनकी यही बेरा रविया यही महबूदा ने बातिला जिनके पीछे ये दौड़ते थे उनके पीछे दौड़ना ही उनकी हलाकत का सबब बन गया और ये बात बताने के बाद अल्लाह तला ने सुनत इलाहिया बतलाई अल्लाह तबारक ने अपनी सुन्नत का तस्करा करते हुए कहा वकली अखदुर का ल्ला जब किसी भी बस्ती को आबादियों को पकड़ता है जब वो ज़ालिम होती हैं, ज़ुल्म की राह पे चली होती हैं अल्लाह तला की ना फरमानी की राह पे चली होती हैं जब अल्लाह तला की पकड़ होती है तो ऐसी ही होती है इन अखदली शदीद उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और बड़ी सख्त हुआ करती है हाजिर ने गिरामी इस पैंडमिक की सूरत हाल ने जो सबक हम और आपको सिखलाया उनमें से एक सबक यह भी कि ये सारे ढकोसले ये सारे धोखे ये सारे के सारे धंधे ये सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए जब दुनिया के सामने हकीकी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से इस पैंडमिक की शकल में आई इस वबा की शक्ल में आई तो फिर वही मादी असबाब काम आ सके जिसे दवा कह सकते हैं का कहते हैं या फिर वही शर्ी असबाब काम आ सके जिसे तोबा व इस्तफार और दुआ कहते हैं इनके अलावा ये सारी चीजें ये धोखा है ये इस हकीकत से अब इस सूरत हाल में पर्दा उठ गया दुनिया वालों ने इस पूरी सूरत हाल को देख लिया हसी ने गिरामी ये चौदहवां सबक है जो पैंडमिक की सूरत हाल ने हम और आपको सिखलाया बतलाया है पंद्रहवा सबक जो हम और आपको ये मिलता है और मैं इस सबक का तदकरा अहतमाम से करना चाहूंगा वो ये कि भाइयों देखो दुनिया के अंदर आज जमहूरीत का बड़ा बोलबाला है जमहूरीत का बड़ा बोलबाला है और लोगों के हकूक के बड़े बलंद बंग दावे किए जाते हैं आज दुनिया ने यह मनाजिर देख लिए कि वह मुस्लिम हुकूमतें और वो गैर मुस्लिम हुकूमतें जहां कहीं बादशाहत है कहीं जमहूरियत है और कहीं कोई दूसरा भी निजाम अगर है जो भी निजाम रहे मजमुई तौर पर दुनिया ने यह सूरत हाल देखी कि खैर का हुकूमतें कौन सी हैं दुनिया के अंदर अल्लाह का फजलो करम है आज अगर इस नाही से देखें पूरी दुनिया की हुकूमतों का जायजा लेकर देख लें अपनी आवाम के सिलसिले में खैर का साबित होने वाली हुकूमतें मुस्लिम हुकूमतें ही वाकई हुई आप ये बात बखूबी जानते हैं। हमें इस बात का कहते हुए कोई झिझक नहीं है अपना और अपने मुल्क समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बहुत सारे अपने हैं बहुत सारे पराए भी हैं दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं मालदार मुल्क भी हैं गरीब मुल्क भी हैं ताकतवर मुल्क भी हैं कमजोर मुल्क भी हैं इस आजमाइश के मौके पर इस आजमाइश के मौके पर किस हुकूमत ने अपनी आवाम का कितना ख्याल रखा यह सर्वे कर लिया जाए यह बात आज भी समझ में आएगी कि इस्लाम और मुसलमान जिस कदर ज्यादा यादा खैर खा साबित हुए हुकूमतें खैर खा साबित हुई उस कदर ज्यादा दूसरी कोई हुकूमत खैर खा नहीं साबित हो सकी आपको पता है हमारे अपने मुल्क पर मजदूर सड़क पर था कितने मर गए कितने लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गए उन मजदूरों के पैरों में चप्पल नहीं थी वो तपती हुई धूप में भी चलकर गए वो लोग पैदल अपने आबिला पा गए पैरों में आबिले आ गए फिर भी चले वो मंजर भी हमने देखे जहां लोगों को खाने के लिए खाना मयसर नहीं था गिरी पड़ी जो मिल चीजें मिलती उठा के खाते चले जाते थे वो मंजर भी हमने देखा हमारे अपने मुल्क के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना मुल्क भी मिसाली मुल्क बने हमारे अपने मुल्क की आवाम भी खुशहाल आवाम बने और जब ऐसी कोई मुसीबत आए तो हमारी अपनी आवाम एक दूसरे की खैर खा बनकर खड़े हो वो हुकूमतें जो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाकर उनके ऊपर हुकूमत तो करती हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं कर सकती वो इस पैंडमिक की सूरत हाल में बिल्कुल नंगी हो गई उनको दुनिया ने देखा और दुनिया ने पहचाना कि कौन सा मुल्क खैर का है आपको मैं बताऊं कई मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जहां उनके अपने हकीकी बाशिंदे नहीं सिटीजन नहीं बल्कि वहां काम काज के लिए गए हुए पराए मुल्क के बादशाह पराए मुल्क की बाशिंदों का इलाज भी मुफ्त करवाया गया है और यहां सूरत हाल यह थी कि इस मुल्क के बुनियादी बाशिंदे इस मुल्क के शहरियों को बुनियादी जरूरतें मैसर नहीं थी हम ये क्यों कह रहे हैं ये बताना चाहते हैं कि भाइयों इस पैंडमिक की सूरत हाल ने हम और आपको बताया है कि इस मुल्क का असल एजेंडा क्या होना चाहिए इस मुल्क में लोगों के मसाइल किस कदर ज्यादा अहम है ये टीवी चैनलों पे बैठकर बड़े बड़े डिबेट करना बड़े बड़े नेशनलिज्म की बात करना कौमियत की बात करना यह दावे एयर कंडीशन रूम में बैठकर करने का काम नहीं है उन मजदूरों के साथ कदम से मिल कदम मिलाकर चलने का काम है काबिल मुबारकबाद है हर वो इंसान हर वो तंजीम हर वो ट्रस्ट हर वो फर्द समाज का जिसने इस रास्ते पे चलते हुए लोगों को अपने हाथ पे तो ना उठा सके लेकिन जहां तक हो सका अपना अपना पैसा लगाकर अपने वसाइल लगाकर लोगों को घरों तक पहुंचा सके इन रास्ते से गुजरने वालों के लोपेट में निवाले डाल सके उनके मुंह में पानी के कतरे डाल सके सुबहानल्ला दुनिया ने देखा कि आवाम के, के हकीकी खैर का कौन है और यहीं से यह सबक हम और आपको मिलता है और मैं आज इसका तस्करा पैंडमिक के हवाले से करते हुए जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि भाइयों ये पैगाम दुनिया वालों को पहुंचाओ लोगों को बताओ कि हमारे मसाइल समाज के क्या है मुल्क हमारा कैसे तरक्की कर सकता है हमारा शहरी अगर भूख से सड़क पे मरता है सिर्फ उसकी मौत नहीं होती कहीं ना कहीं हमारी भी इंसानियत का कोई ना कोई हिस्सा मर रहा है हमारे अंदर हमारे समाज में इंसानियत की मौत हो रही है अगर इंसानियत सड़क लोग वो वो सड़क पर हैं, न सिर्फ वो सड़क पर हैं, हमारी और आपकी इंसानियत सड़क पर है इस मसले को जिस शिद्दत के साथ लोगों के सामने उठाना चाहिए था नहीं उठाया गया न किसी हुकूमत की खिलाफ वर्जी में न किसी पार्टी की खिलाफ वर्जी में ये रहते कोई और होता सूरत हालिबन हाल हमारे अपने मुल्क में यही रहती किसी पार्टी की ताई तरदीद की बात नहीं लेकिन समाज के जिंदा मसाइल क्या हैं इन मसाइल को इस सूरत हाल ने वाजह किया पैंडमिक की सूरत हाल ने बताया कि हमारे मुल्क के मसाइल क्या है अस्पताल हमारे पास नहीं थे इलाज के लिए हमारे पास कोई ऐसा बंद नहीं था जिससे वाकई मानों में इससे निपटा जा सके और लॉकडाउन से पहले जैसी तैयारी होनी चाहिए कि लोग अपने अपने मुकाम पर इत्मीनान से पहुंच जाएं उसकी भी कोई तैयारी नहीं थी ये जो मसाइल हैं इनको एड्रेस किया जाना चाहिए ये सोच करके वबा आई वबा चली गई लॉकडाउन आ गया फिर ओपन हो गया अगर हमने नजरअंदाज किया देखो कौमें अपने तजर्बात से सीख कर आइंदा के लिए तैयारी कर लेती हैं हम और आपको अल्लाह ना करे कि फिर कभी ऐसी कोई सूरत हाल देखनी पड़े लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ सकती है तो फिर उसकी तैयारी हमारे पास आइंदा के लिए होनी चाहिए तो एक तरफ हमारे और आपके सामने जो हमारे मुल्क के हकीकी मसाइल हैं उन मसाइल का तजकरा भी आया उन मसाइल को भी हमने समझा और ये मसाइल समाज के सामने जिंदा रहने चाहिए और इनके तदारुक की तैयारी भी होनी चाहिए ताकि आइंदा कभी ऐसी कोई सूरत हाल पेश आए तो हम और आप अंदाजा लगा सकें कि हम और आपको कैसी एहतियात वक्त से पहले करने की जरूरत है हाजी ने गिरामी यह पंद्रहवा सबक है जो हम और आपको इस पैंडमिक की सूरत हाल ने सिखाया या हम और आपको पढ़ाया था सोलहवां सबक जो आज के इस दर्श में मुझे आपके सामने जिक्र करना है वो ये कि इस पैंडमिक की सूरत हाल ने हम और आपको यह समझा दिया बता दिया कि इंसान की असल जरूरतें क्या है आज का इंसान बड़े धोखे में है वो कारों के पीछे भागता है वो बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे भागता है वो लंबे चौड़े कारोबार के पीछे भागता है वो बहुत सारी चीजों के पीछे भागता है लेकिन इस पैंडमिक की सूरत हाल ने हमें समझा दिया बता दिया कि हम एक साल तक अगर कहीं ना कहीं अपने आप को बांधे रखकर एक छत के नीचे जिंदगी गुजार सकते हैं। चंद निवालों पर गुजारा कर सकते मामूली से कपड़ों में भी हमारे दिन निकल सकते हैं तो फिर हमारी सारी दुनिया का मेहवर जिंदगी की लग्जरी जिंदगी का सामान्य तायुष क्यों कर हो सकता है हम अगर इंसानियत को इंसानियत की बुनियाद पर पहचानेंगे एक मुसलमान की हैसियत से अगर हम अपने मकसद जिंदगी को पहचान सकेंगे वो हम और आपको बताएगा ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है नबी आई इसम की यह हदीस तो जबान ज़दे खास और आम है कनफी दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिरु सबील। तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम यहां अजनबी हो या एक मुसाफिर हो यह बात दुनिया वालों की समझ में नहीं आती होगी कि कोई दुनिया में मुसाफिर की तरह कैसे रह सकता है कोई दुनिया में अजनबी की तरह कैसे रह सकता है लेकिन इस पैंडमिक की सूरत हाल ने बता दिया कि इंसान की जरूरत उतनी ही है जितनी जरूरत एक मुसाफिर खाने में मुसाफिर को होती है या एक अजनबी आदमी को अजनबी मुकाम में होती है दुनिया की उतनी ही जरूरत असल में इंसान को है उससे आगे जो कुछ है वो इंसान की जरूरत से आगे की चीजें हैं वो तयुश है वो आसानियां हैं वो फरावानिया है अगर इंसानी इंसानियत इन, के तकाजों को पूरा करते हुए वो भी मयसर आती हैं अल्लाह की बंदगी के तकाजों को पूरा करते हुए वो मयसर आ रही हैं उनके इस्तेमाल को हराम नहीं करार दिया गया लेकिन अपनी इंसानियत भूल कर उसके पीछे पड़ जाना अपने अल्लाह का बंदा या बंदी होने को भूल कर कोई आदमी अगर उनके पीछे पड़ जाता है इस पैंडमिक की सूरत हाल ने बताया कि वो बेवकूफ है वो नादान है जो इन चीजों के पीछे पड़ा रहता है वरना जिंदगी तो बड़ी महदूद है हमारी और आपकी बड़े महदूद साजो सामान के साथ भी हमारी और आपकी जिंदगी गुजर सकती है हम और आप बड़ी प्यारी जिंदगी गुजार सकते हैं पैंडमिक की सूरत हाल ने इस हकीकत को हमारे और आपके सामने रखा गोया यूं समझिए सोलहवा सबक हमारे और आपके सामने ये आया कि दुनिया वालों तुम्हारी अपनी दुनिया में से तुम्हारी जरूरत का सामान कितना है उसे पहचान लो और फिर कभी धोखे में मत आना जिंदगी में अगर अल्लाह ने आसम सर पर छत दी है पेट के खाने पेट भर आपको अल्लाह ने गजा दी है तन ढकने के लिए मुनासिब कपड़ा दिया हुआ है तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे दिया है आप बहुत मुतमइन हैं उससे आगे की चीजों के पीछे पड़कर न दीवाने बनो न एक दूसरे का नुकसान करने वाले बनो न एक दूसरे से ऐसी चीजों में मुकाबला करने वाले बनो अपने आप को सुधारो अपने आप को संभालो यह पैंडमिक की सूरत हाल ने हम और आपको सबक सिखला दिया है नबी अलात वाम ने एक बात बयान फरमाई थी अल्लाह के नबी ने कहा था मन कुम आमिनी सिर भी ही जसदी ही इंदू

तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि सारी दुनिया अल्लाह ताला ने उसे दे दी है सुबह यही बस हमारी दुनिया इससे आगे की दुनिया के पीछे यह भाग जिसके पीछे हमने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया है, अपनी जिंदगी के आयश आराम, चैनो सुकून को भुला दिया है हमने अपने घर बार को भुला दिया अपनी बीवी बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं रिश्ते नातों को भुला दिया है ये सब, का सब खुद को देने वाला धोखा है जिसमें हम अपने आप को मुबतला करके रखें इस पैंडमिक की सूरत हाल ने प्यारे नबी वसल्लम के इन फरामीन की हकीकत इनकी सच्चाई और इनकी हक्कानियत को बड़े अच्छे अंदाज में हमारे सामने खोल कर रख दिया है हाजीन गिरामी यह सोलहवा सबक था और आज की मजलिस में आठवां सबक था जो हमने आपके सामने जिक्र किया यह जो सूरत हाल अब तक आपके सामने आई इन असबाक ने हमारे और आपके सामने कोरोना के जो फवायद या कोरोना के जो सबक हो सकते हैं वो रखे हैं मैं आज अपनी गुफ्तु को यहीं पर रोक लेना चाहता हूँ इन शह आइंदा भी अगले हफ्ते भी इस सीरीज जारी रहेगी और इसका अगला हलका भी आपको सुनने को मिलेगा इंशाला अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो सबक मिल रहे हैं हम सुन रहे हैं उनसे भी और उसके अलावा अपने तौर पर भी अगर हमें कोई सीख मिली है सबक मिला है तो उससे अपनी अगली जिंदगी को संभालने सुधारने और संवारने के अल्लाह ताला हम और आपको तोफी कता फरमाएं अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए आमीन व आलमीन